दोस्तों इस वीडियो के अंत में पूछे गए एक सवाल का जवाब दीजिए और जीते 200 रुपए तक का पेटीएम कैश भी। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यह मुकाबला आसानी से जीत लिया। इस मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। विंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 315 रन बनाए। अब दोस्तों आपको बता दें कि विंडीज के 315 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। मगर 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को रोहित के रूप में पहला झटका लगा। जेसन होल्डर ने रोहित को शाई होप के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। रोहित ने 63 गेंदों में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 63 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। पहले विकेट के लिए राहुल और रोहित के बीच 122 रनों की साझेदारी हुई। दोस्तों रोहित के आउट होने के बाद केएल राहुल ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 30वें ओवर की 5वीं गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने राहुल को शाई होप के हाथों कैच आउट कराकर भारत को दूसरा झटका दिया। राहुल 79 गेंदों में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 77 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए राहुल और कोहली के बीच शानदार 45 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन दोस्तों इसके कुछ ही देर बाद कीमो पॉल ने श्रेयस अय्यर 7 रन को जोसेफ के हाथों कैच आउट कराकर भारत को तीसरा झटका दिया। 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर कीमो पॉल ने अपनी टीम को सफलता दिलाई। जी हां, पॉल ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी 7 रन पर आउट कर दिया। अय्यर के आउट होने के बाद ऋषभ पंत भी आउट हुए और उसके बाद केदार जाधव को भी शेल्डन कोटरेल ने बोल्ड कर दिया। इसके साथ ही भारत की टीम आधी पवेलियन लौट चुकी थी और यहां से भारतीय टीम पर दबाव भी काफ़ी आ गया था, लेकिन विराट कोहली और जडेजा ने मिलकर पारी को संभाला और काफ़ी हद तक अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन 47वें ओवर की पहली गेंद पर भारत को विराट कोहली के रूप में एक बड़ा झटका लगा। जी हाँ, कोहली अपने 44वें वनडे अंतर्राष्ट्रीय शतक से चूक गए। उन्हें कीमो पॉल ने अपना शिकार बनाया। 51 गेंदों में 50 पूरे करने वाले कोहली ने 81 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली। अब दोस्तों यहां पर कोहली के आउट होने के बाद भारत पर दबाव काफ़ी आ गया था, लेकिन बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने क्रीज पर आते ही पूरा का पूरा मैच पलट कर रख दिया। जी हां, पहले तो उन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। इसके बाद 48वीं ओवर में विंडीज के गेंदबाज शेल्डन कोटरेल की धुनाई करते हुए चौके छक्के बरसाए और इस ओवर से कुल 15 रन बटोर लिए और यहाँ से पूरा का पूरा मैच भारत के खेमे में कर दिया। शार्दुल ने मात्र 6 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल था। इसके अलावा दोस्तों शार्दुल ठाकुर का बेहतरीन साथ यहां पर रविंद्र जडेजा ने भी निभाया, जिन्होंने 31 गेंदों में 39 रनों की बेहतरीन पारी खेली। और दोस्तों इसी तरह से भारतीय टीम ने यह रोमांचक मुकाबला आखिरकार जीत ही लिया। दोस्तों वैसे आपको इस मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का जो बेल आइकन है उसे भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए। बाय बाय।